हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम। आज फिर से मैं आप ही के साथ हमारी जो सॉफ्ट विन ट्रेडर की लाइव मार्केट के साथ आई हूँ, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में हमारे जो विन ट्रेडर किस तरह सपोर्ट करते हैं, ये मैं आज लाइव मार्केट की तरफ आपको दिखा रही हूँ। मैं सीमा, हमारी रोज की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में डेली अपडेट करते रहते हूँ। आपको कोई भी डाउट या कोई भी फॉरेक्स मार्केट में या कोई भी मार्केट में, यानी कि एनएससी कैश से लेकर फ्यूचर ऑप्शंस कमोडिटी अग्री, कोई भी मार्केट में आपको लाइव देखना चाहते हैं, तो मुझे इसी नंबर में, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही 8139033994, तो इसी नंबर में कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, सेम मैं आपको लाइव अपडेट करती रहूँगी। ओके, तभी पहले मैंने ओपन किया है XAUSD गोल्ड का चार्ट है, इसमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो हम हमेशा फॉरेक्स में जब करूँगी तो टाइम फ्रेम 30 H1 H4 15 मिनट्स, ये चार टाइम फ्रेम में बेटर रहती है। 5 मिनट्स स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट वाइज इसमें जल्दी मोमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये व्हाइट कलर ब्रेकर लाइन से आज मार्केट ओपन हुआ था, ये कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा। इसमें ये जो ग्रीन कलर आप आ रहे हो ये दिख रही है, ये बाय सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहे हो सेल सिग्नल है। जब दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल्स आपको आते हैं तो आपको अलर्ट बॉक्स, ऐसे जैसे छोटी बॉक्स की तरह ऐसे अलर्ट बॉक्स आपको मिलेगा। तो ये अलर्ट बॉक्स में डिटेली मेंशन कब सिग्नल आए थे, कौन से टाइम कौन से डेट को आए थे, पूरा डिटेल्स ये अलर्ट में मेंशन किया होगा। ये बार बार आती है तो हम क्लोज करते हैं, तो क्लोज करते तो फिर भी आ जाते हैं अपने आप, जो सिग्नल जनरेट होता है वो टारगेट अच्छे तो कोई भी होते हैं तो ये आ जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, सिग्नल जब आते हैं तो पूरी डिटेल्स आपको ऊपर होगा नीचे होगा। तो ये लेटेस्ट सिग्नल 130 को आए थे, उसका एंट्री पॉइंट ये है, 3 टारगेट है, इसके हिसाब से पहला टारगेट अच्छे हो गए, 16 पॉइंट के हिसाब से हमको प्रॉफिट मिला है। तो कंफर्मेशन चेक करने के बाद एंटर करने के लिए पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए 3 कंफर्मेशन बहुत मायने रखते हैं। पहला होते हैं कैंडल कलर, जो सिग्नल की कलर कैंडल कलर में चाहिए, और नीचे ये बार कलर भी सिग्नल कलर चाहिए, यहाँ पर प्राइस एंड बाय जोन भी चाहिए। जैसे तीनों साथ में आएगा तो आपको सेकंड कैंडल की ओपनिंग रेट को एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ये सिग्नल ये पॉइंट पे आया था तब नीचे बार ग्रीन नहीं था, तो जब रेसिस्टेंस ब्रेक करने के पोर्शन ये पोर्शन में आप एंट्री लोगे तो यहाँ से आराम से आपको 1929 से लेकर 44 तक गए थे, आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से मिला है। तो उसके पहले एक बाय सेल सिग्नल आए थे, वो भी नीचे गई थी, मार्केट क्लोजिंग हुआ था तब तक सेल में ही था, तो बीच में बाय आए थे वो कंफर्म नहीं था, कंटिन्यूस 2-3 दिन सेल में ही था मार्केट कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट है XAUSD सिल्वर, इसमें भी सेम सिग्नल यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, सेम 130 को आए थे 25.05 में, तो बाय सिग्नल दिए थे उसके हिसाब से, ये पॉइंट भी तीसरी या चौथी कैन भी यहाँ से एंट्री ले सकते थे, लगभग 25.0570 वहाँ से लेकर अभी 410 तक गए थे, यानी कि 377 पॉइंट अभी प्रॉफिट में हुआ हम लोग, तीनों टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। ओके, नेक्स्ट उसके अलावा AUD JPY, ये JPY का ये इसमें भी कंटिन्यूस सेल में ही था, 2-3 दिन तक कंटिन्यूस सेल में ही था। तो इसका सिग्नल आए थे लगभग 15 तारीख को, यानी कि 15 तारीख को 8 बजे सिग्नल बाय सिग्नल जनरेट किए थे, उसी दिन नहीं लिया तो भी दूसरे दिन आराम से कंटिन्यूएशन उसका चल रहा, 2 दिन कंटिन्यूस मार्केट बाय में था, अभी भी बाय में हूँ। ये रेड कलर स्टार रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करके मार्केट फिर से ऊपर जा रही हूँ, यानी कि मार्केट कंटिन्यूस बाय हूँ। कंटिन्यूस मार्केट में अगर सिग्नल पहले डिटेक्ट होता है, कंटिन्यूस मार्केट ऐसे सिग्नल डिटेक्ट हो गया है, तो आपको एंट्री अगर बीच में आपने बीच की पोजीशन जब मार्केट ऑलरेडी अप चली गई, ऑलरेडी तीनों टारगेट के बाद आपको सिग्नल देखा है, तो 2 तरीके से आपको एंट्री कर सकते हैं। एक तो रेसिस्टेंस ब्रेक करने की पोजीशन में आपको एंट्री ले सकते हैं, दूसरा री एंट्री का वेट कीजिए। जब भी सिग्नल अभी सेल सिग्नल आएगा तो ही आप सिग्नल जनरेट, तब तक ये बाई चलेगा, तब तक कंटिन्यूसली तीनों टारगेट के बाद फिर से मार्केट आप फ्लक्चुएशन है, ट्रेंडी मार्केट है, तो री एंट्री बार बार देते रहेगा, नहीं है तो रेसिस्टेंस लेवल जब ब्रेक करेगा वो पोजीशन में आपको एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस फिर से ब्रेक करते हैं, फिर से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जब तक साइडवे इंडिकेशन यानी कि एक्स्ट्रा कलर जब आप जनरेट नहीं होता तब तक ये पोजीशन हमारा चालू कंटिन्यू कर सकते हो, एक्स्ट्रा कलर जब दिखेगा तब भी बाहर से पोजीशन काट सकते हो। जैसे कि ये एक्स्ट्रा कलर, ये सपोर्ट लेवल, ये नीचे ये जो ब्लू कलर की स्टार ब्रेक किया तो वहां से हम पोर्शन कट कर सकते हैं, तब तक हमारा पोर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे AUD CHF,
इसमें भी बाई सिग्नल जनरेट किया था लगभग 15 तारीख को 19:30 यानी कि 7:30 बजे लगभग डिक्टिक किया था। उसके हिसाब से कंटिन्यूस बाई में था, बीच में थोड़ा सा सेल लाने के लिए कोशिश किया था, यहाँ पे चाहे तो कट कर सकते हो, यहाँ पे आपने ये सिग्नल काट दिया है तो ये यहाँ से रेसिस्टेंस फिर ब्रेक किया, ये सेकंड कैंडल में आप फिर से एंट्री ले सकते हो। वहाँ से लेकर अभी कंटिन्यूस सेल के हिसाब से 1230 पॉइंट्स अभी हम लोग अचीव किया है। ओके, ये आज की पूरी फॉरेक्स मार्केट की परफॉर्मेंस है। अगर सेम ऐसे ही लाइव आप परफॉर्मेंस आपको देखना चाहते तो मेरा यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको हमारे जो विन ट्रेडर की लाइव मार्केट वन डे फ्री ट्रायल ज़रूर आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।